बड़हरा क्षेत्र में हुए दुष्कर्म से पीड़ित परिवार से मिलकर केंद्रीय मंत्री ने सहानुभूति देते हुए दोषी को स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने की बात कही। दोषी को एक पार्टी का राजनीतिक संरक्षक प्राप्त होने पर आग बबूला हुए केंद्रीय मंत्री केशवपुर गंगा घाट पर गंगा नदी के बढ़ते हुए जलस्तर का किया निरीक्षण। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सह निवर्तमान आरा सांसद आर के सिंह बड़हरा प्रखंड के मटकपुर गाँव पहुँचे। ज्ञात हो कि मटकपुर के एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी। उसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री मटकपुर पीड़ित परिवार से मिलने और घटना की जानकारी प्राप्त करने पहुंचे। पीड़ित परिवार और ग्रामीण जनता द्वारा घटना के बारे में बताते हुए घटना में को लेकर पूर्व मंत्री द्वारा चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने परिवार से बात करते हुए कहा कि दोषी को किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा, उसे कानूनी रूप से स्पीडी ट्रायल द्वारा सजा दिलाई जाएगी। यह घटना अशोभनीय और माफी के काबिल नहीं है। ग्रामीण जनता द्वारा माले पार्टी का नेता और माले के नेताओं द्वारा परिवार पर दबाव डालने की बात सुनकर आर के सिंह आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा कि इतनी शर्मनाक घटना जिससे एक बच्ची का जीवन बर्बाद हो गया, उसके दोषी को बचाने के लिए माले द्वारा परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसे अपराधियों के लिए उम्र कैद की सजा होती है। एक शिक्षक द्वारा घिनौनी हरकत को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने अपराधी पर पॉक्सो एक्ट लगाने की बात कही। उन्होंने मणि छपरा घटनास्थल पर पहुंचकर अवैध रूप से चल रहे विद्यालय को भी देखा और प्रशासन से मांग की कि इस अवैध संस्थान का जांच किया जाए। आखिर बिना निबंधन के स्कूल कैसे चल रहा था। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण जनता के साहस का प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि माले या दोषी का कोई पैरवीकार परिवार पर दबाव डालने आता है तो ऐसे डटकर सामना करना है और उसे खदेड़ देना है। उन्होंने इस मामले को उच्च स्तर पर उठाने की बात कही। लड़की के साथ शिक्षक ही जो रेप किया गया सर, क्या एकदम घृणित काम हुआ है। आइए भी सुनने में आया है कि उसके माले का शायद नेता, ये भी सुनने में आया कि उसके पार्टी के लोग यहाँ पर आए थे दबाव देने कि केस न करे या विड्रॉ कर ले। शर्म नहीं आती है? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आई यहाँ के लोग तो खदेड़ दिए उन लोगों को, आइए यहाँ फिर आवेंगे तो फिर उन लोगों को खदेड़ देंगे। आएगा यहाँ पर ये उन लोगों को बचाने के लिए, पैरवी करने के लिए, दबाव देने के लिए। अब पुलिस से हमने कहा है, एसपी से हमने कहा है, एक तो पॉक्सो लगाना, तो पॉक्सो लग गया, उसको बेल नहीं होगा। और दूसरा हमारा ये कहना है कि इसका स्पीडी ट्रायल होगा जल्दी से जल्दी। आ इसमें सजा है आजन्म कारावास, है ना, पॉक्सो है, आ इसमें घृणित काम है, आजन्म कारावास का सजा हम लोग इसको दिलवाएंगे या जल्दी से जल्दी दिलवाएंगे। साल के एक साल के अंदर हम लोग इसका मुकदमा ख़त्म करवाएंगे। और यहाँ के जनता से हम लोग ये हमारा यही निवेदन है। आइए, जनता भी यहाँ की मजबूत है, आया था यहाँ पर दबाव देने, वो लोग मार के भगा दिया। एक और बात है भाई, यहाँ पर अवैध स्कूल चला रहा था, ये भी तो प्रशासन को देखना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए ना। अभी हम डीएम से कहेंगे कि क्या हो रहा है, अवैध स्कूल को बंद करें तुरंत। पीड़ित परिजनों से सर में मिले हैं क्या बातें? यही तो पीड़ित परिजन एकदम बिल्कुल, हमने सर धमकी भी मिल रहा है सर, केस मैनेज करने मिल रहा है ना, तो वही हमने कहा कि मजबूत रहिए। हम लोग हैं जो धमकी देने वाला है, उसको भी हम लोग केस करके उसको भी भेजेंगे जेल। सर पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलेगी क्या सर? अभी तत्काल पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलेगी सर? अगर जरूरत होगी तो सुरक्षा भी मिलेगी। इस तरह के विद्यालय को बंद किया जाएगा सर? हाँ, वो विद्यालय के बारे में कहा गया है कि अवैध विद्यालय है, चल के देखते हैं। वो तो घटनास्थल वही है, अवैध है तो फिर उसको बंद करना होगा शासन। छोटी बच्ची का जीवन बर्बाद किया है, ऐसा घृणित काम तो दुनिया में नहीं हो सकता। और जो लोग उसके लिए पैरवी करते हैं, उससे गिरे हुए आदमी दुनिया में नहीं हो सकता। सुनते हैं कि उसके लिए कुछ लोग पैरवी भी करते हैं, ऐसा घृणित आदमी सब है जो कि उसके लिए पैरवी करता है कि हम क्या करें। आइए, क्या कोई पॉलिटिकल है? सुनते हैं माले का है, माले का नेता हूँ, माले का नेता है, माले के लोग उसके लिए पैरवी कर रहे थे, इसलिए भी आए हैं। ये कह रहा है गलती है, पचपन साठ साल की गलती है, लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दी। जल्दी से जल्दी हम लोग ट्रायल कराएंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे और उसको सजा कराएंगे। जितने उसके
ये जो उत्कृष्ट काम किया उसके लिए जो पैरवी कर रहे हैं, जा करके चुलू भर पानी में डूब पड़े, शरब करे वाले वाले जो नेता लोग।